उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर से धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों पर और उनकी आवाज पर नकेल कसने के लिए अभियान छेड़ दिया है। अभियान के जरिए प्रदेश भर में इबादत गाहों, मस्जिदों और धर्म स्थलों पर लगे अवैध लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने अवैध लाउड स्पीकरों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसका असर अभियान के पहले ही दिन देखने को मिल रहा है। यूपी पुलिस ने प्रदेश के लगभग सभी जनपदों से 3238 लाउड स्पीकरों को हटाया है। बताया जा रहा है कि ये लाउड स्पीकर मानकों के विपरीत पाए गए थे। शासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में पुलिस अधिकारियों की टीम ने सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर चलाए जा रहे 61,399 लाउड स्पीकर्स को चेक किया। इस दौरान निर्धारित मानक से ज्यादा डेसिबल पर बज रहे 7,288 लाउड स्पीकर्स की आवाज कम कराई गई, तो वहीं 3,238 लाउड स्पीकर्स को अवैध मानते हुए हटवा दिया गया। कौशाम्बी में भी पुलिस अधिकारियों की टीम ने न सिर्फ अवैध लाउड स्पीकर्स पर कार्रवाई की है, बल्कि निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन कर रहे लोगों को सचेत भी किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आदेशों का निरंतर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है। शासन के निर्देशों के क्रम में आज जनपद कौशाम्बी के प्रत्येक थाना क्षेत्र में प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगाए हुए लाउड स्पीकरों को चेक किया गया तथा मानक के विपरीत और अवैध रूप से लगे गए तमाम लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं और कई लाउड स्पीकरों की ध्वनि भी कम कराई गई है। बार बार संवाद करने के बाद भी जो लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2022 में भी सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध लाउड स्पीकरों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कार्रवाई की थी। तब भी हजारों की संख्या में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।